दोस्तों दीनन ये मूवी कॉन्जूरिंग सीरीज का सबसे पहला पार्ट है और इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1952 के रोमानिया का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें दो नंस बहुत ही टेंशन में एक रूम की तरफ बढ़ रही थी और उनके दोनों तरफ बहुत सारी क्रॉसेस लगी हुई थी जो कि किसी एविल स्पिरिट को रोकने के लिए थी। और तभी वो दोनों नंस उस रूम के डोर तक पहुँचते हैं जिस पर लिखा था कि गॉड का साथ यही तक है, मतलब वो डोर हेल का था। और तभी उनमें से एक नन डोर ओपन करके अंदर जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो नन जो दरवाज़ा खोल के अंदर गई थी वो कुंड से लथपथ बाहर आती है और वो बाहर खड़ी एक दूसरी नन को एक की देकर कहती है कि भाग जाओ और उसके हाथ मत आना। और उसके बाद वो एविल पावर उस नन को अंदर खींच लेती है और वो दूसरी नन वहाँ से भाग कर रस्सी लेकर रस सेक्रीफाइस कर लेती है। और उसके बाद दूसरी सुबह एक लड़का फ्रेंची जो नन्स हाउस के सभी नन्स को खाने का सामान पहुँचाता था वो हाउस के बाहर उस नन की लटकी हुई डेड बॉडी को देखता है जिसे कौवे खा रहे थे। और उसके बाद हमें वेटिकन सिटी जो कि क्रिश्चियन लोगों का पवित्र स्थान है वहाँ का एक सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर चर्च के वरिष्ठ अधिकारी फादर बर्क को रोमानिया में हुए हादसे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजते हैं और उनके साथ सिस्टर आयरिन को भी भेजा जाता है, लेकिन सिस्टर आयरिन ने अभी तक नन होने की वोट नहीं ली होती है। और उसके बाद वो दोनों फ्रेंची के पास रोमानिया में जाते हैं जिसने सबसे पहले उस डेड बॉडी को देखा था, लेकिन वो उन्हें पहले ना कहता है पर बाद में वो मान जाता है। और उसके बाद वो उन्हें अपने साथ उस नन्स हाउस में लेकर जाता है जहाँ पर उसने वो बॉडी आइस रूम में रखी थी। लेकिन अंदर जाके वो हैरान होता है जब वो उस नन की बॉडी को बैठा हुआ देखता है जबकि उसने उस बॉडी को लेटा के रखा था। उसके बाद फादर बर्क उस बॉडी के हाथ से वो की लेते हैं और उसके बाद फादर उस नन की बॉडी को आदर से दफन कर देते हैं। तभी सिस्टर आयरिन ने पूछती है कि उस कब्रस्तान के सभी ताबूतों पर घंटी क्यों लगाई गई है। तब फादर बताते हैं कि अगर किसी जिंदा बॉडी को गलती से दफन कर दिया गया तो उसे बचाकर अपने आप को बचा सकता है, इसलिए थी। उसके बाद वो तीनों उसी जगह पर फिर से जाते हैं जहाँ पर डेड बॉडी लटकी थी, लेकिन फादर देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पर अपन अब भी ताजा था। तभी फादर खिड़की से किसी नन को देखते हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस नन्स हाउस के अंदर जाते जहाँ पर सिस्टर आयरिन किसी को बैठा हुआ देखती है जो कि मदर सुपीरियर थी और वो उन्हें आने की वजह पूछती है और उनकी आवाज़ बहुत डरावनी होती है। फिर फादर उन्हें बताते हैं कि वो डेथ की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, जिस पर मदर सुपीरियर उन्हें कहती है कि अभी शाम हो गई है और नंस की प्रेयर का टाइम हो गया है, इसलिए आप कल इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और प्रेयर का टाइम था इसलिए सारे दरवाजे भी बंद होने वाले थे, इसलिए उन्हें उस नंस हाउस के पास एक जगह पर आराम करने के लिए कहते हैं। तब फादर फ्रेंची को कहते हैं कि तुम जाओ, अब हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे और कुछ दिन बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन हो जाए तब तुम ज़रूर आओ। और उसके बाद फ्रेंची वहाँ से चला जाता है और वो जब वहाँ से जा रहा था तब उसे रास्ते में कब्रस्तान में एक शैतानी नन दिखती है जो उस पर अटैक करती है, लेकिन वो बहादुरी से अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लंच टाइम पर सिस्टर आयरिन फादर को बताती है कि उन्हें बचपन से बहुत सारे अजीब ड्रीम्स आते हैं, लेकिन हर ड्रीम के बाद उन्हें एक ही बात याद आती थी, वो कि मदर मैरी उन्हें हमेशा रास्ता दिखाएंगी। और उसके बाद फादर भी सिस्टर को बताते हैं कि 20 सालों पहले फ्रांस में वो एक लड़के का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे और उसके दौरान वो बच्चा बच नहीं सका था, जिसका जिम्मेदार वो कुछ हद तक खुद को भी मानते हैं। और उस रात एक ट्रांजिस्टर अपने आप चलने लगता है जिसके आवाज़ से फादर जाग जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं तब उन्हें एक छोटे लड़के का साया दिखता है और उसका पीछा करते करते वो नंस गेस्ट रूम से बाहर आ जाते हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि यह बच्चा वही है जिसका उन्होंने एक्सोर्सिज्म किया था जो अब शैतान बन गया था। तभी उस बच्चे के मुँह से एक सांप निकलता है जो फादर पर अटैक कर देता है और वह हड़बड़ी में एक खाली कॉफिन में गिर जाते हैं जिसका दरवाज़ा खुद से बंद हो जाता है और वो जिंदा ही दफन हो जाते हैं। फिर वो अपनी हेल्प के लिए घंटी भी बजाते हैं और उसके बाद सिस्टर आयरिन भी प्रेयर चैंट्स की आवाज़ से जाग जाती है और वह उस चर्च में जाती है जहाँ प्रेयर्स का आवाज़ आ रहा था और वहाँ पर बहुत सारी नंस प्रेयर कर रही थी। और तभी दीवार पर एक साया आते आते शीशे में उतर जाता है और एक डिमोन नन सिस्टर पर अटैक कर देती है और तभी शीशा टूट जाता है और सिस्टर वहाँ से भाग कर कब्रस्तान में पहुँचती है जहाँ उन्हें फादर की आवाज़ सुनने देती है। तभी वो घंटी की तरफ देखती है पर अचानक सारी घंटियाँ बजने लगती है, पर वो कन्फ्यूज़ ना होकर अपने कॉन्सेंट्रेशन से पता लगा लेती है कि फादर कहाँ है। लेकिन जब वो कब्र खोद रही होती है तब फादर पर एक डेमोन अंदर से अटैक कर देता है, लेकिन ठीक वक्त पर सिस्टर फादर को बचा लेती है। उसी कब्र में फादर को बुक्स भी मिलती है जिन्हें वो ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में वो मदर सुपीरियर को मिलने के लिए फिर से उस नंस हाउस में जाती है, लेकिन बहुत आवाज़ लगाने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, पर अंदर का डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है। और उसके बाद फादर सिस्टर को वही की देते हैं जो उन्होंने उस डेड बॉडी के हाथ से बरामद की थी। और उसके बाद सिस्टर आयरिन अंदर चली जाती है और उसके बाद जब सिस्टर हाउस में जाती है तब उन्हें एक नन नज़र आती है। सिस्टर उस नन को बहुत आवाज़ लगाती है पर फिर भी वो उन्हें इग्नोर करके अंदर चले जाती है। उसको फॉलो करके सिस्टर चर्च में जाती है जहाँ एक क्रॉस के सामने एक नन प्रेयर कर रही थी, लेकिन उस नन को डिस्टर्ब ना हो इसलिए एक और नन वहाँ आती है और उन्हें वहाँ से ले जाती है और कहती है कि हम सब शिफ्ट वाइज प्रेयर करती है इसलिए किसी को डिस्टर्ब ना करो। और उसके बाद हमें फ्रेंची दिखाया जाता है जो बचकर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। उसके बाद उस होटल का ओनर फ्रेंची को कहता है कि गाँव में बहुत सारी अजीब घटनाएं हो रही है और इन सब के पीछे खरीदन वो कर साहब है, मतलब वो नंस हाउस ही है। और तभी फ्रेंची को लगता है कि फादर और सिस्टर की जान को खतरा हो सकता है और तभी वो वहाँ से एक गन लेकर चल पड़ता है। और उसके बाद फादर वो बुक्स पढ़ रहे होते हैं जो उन्हें कॉफिन में से मिली थी, तब अचानक से वो डोर बंद हो जाता है जहाँ से सिस्टर अंदर गई थी।
और अंदर सिस्टर आयरीन उस दूसरी नन को उस डेमन नन के बारे में बताती है जिसको उसने कल रात को देखा था, और वो कहती है कि शायद वो हेल से ही आई है। और तब एक दूसरे नन उन्हें डिस्कशन करने से रोकती है, और रात होने की वजह से वो सिस्टर आयरीन को एक रूम में रेस्ट करने के लिए भेजती है। और फादर उस नन हाउस का मैप देखकर वो सहल के डोर तक पहुंच जाते हैं। तब मदर सुपीरियर की अचानक आवाज आती है। तब फादर कहते हैं कि यह कुछ बहुत बुरा हो रहा है। उस पर मदर कहती है कि अभी उसका कोई फायदा नहीं और वो मर जाती है। और सिस्टर आयरीन को फिर से विजन आता है कि मदर मेरी उन्हें रास्ता दिखाएगी, और उन्हें अपने विजन में वो डिमन नन भी नजर आती है। तभी उनकी आँख खुल जाती है और उठकर वो चलते चलते उस डोर तक पहुंच जाती है जहाँ पर लिखा था कि गॉड का साथ यही तक है। तभी वो डोर खुल जाता है और एक डिमन नन सिस्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे बचकर वहां से भाग जाती है। तभी एक नन फिर से उन्हें बचाकर चर्च में ले जाती है, और वो जब दोबारा से उस चर्च में जाती है तब उन्हें एक नन प्रेयर करते हुए दिखाई देती है जिसके बाजू में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और जब वो उस डेड बॉडी को देखती है तब उन्हें पता चलता है कि वही नन है जो अब तक उनको हेल्प कर रही थी। और दूसरी तरफ वो डिमोन नन फादर पर उस लड़के के रूप में अटैक कर देती है, पर वो उससे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी बहुत सारी नन्स प्रेयर के लिए चर्च में आ जाती है, उनमें से एक नन सिस्टर आयरीन को भी प्रेयर करने के लिए बोलती है। तभी सिस्टर आयरीन देखती है कि मदर मेरी क्या को से खून निकल रहा था। फिर डिमोन सारी नन्स की प्रेयर को डिस्टर्ब करने के लिए सब पर अटैक कर देता है, लेकिन सिस्टर आयरीन कॉन्सेंट्रेशन से प्रेयर कर रही थी। तभी फादर फिर से उस आइस रूम में जाते हैं जहाँ पर एक डेमोन नन उन पर अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेंची सही वक्त पर आकर उन्हें अपने गन से बचा लेता है। तभी डेमोन नन सिस्टर आयरीन पर भी अटैक करके उनके बॉडी पर स्टार पैटर्न बना देती है। उसी वक्त पर फादर और फ्रेंची उन्हें मदद करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तब वो उन्हें बताती है कि वो सारी नन्स के साथ प्रेयर कर रही है, लेकिन वहाँ पर उस डेड बॉडी के सिवा कोई नहीं था। और तभी अचानक से वो डेड बॉडी फादर पर अटैक कर देती है, लेकिन फादर प्योर वाटर और क्रॉस का यूज करके उसे जला देते हैं। तभी फ्रेंची उन्हें कहता है कि उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए। तभी सिस्टर आयरीन उसे बताती है कि हम पूरा करके ही जाएंगे, और वो उन्हें बताती है कि उस हॉल को बंद करने के लिए एक पवित्र चीज की जरूरत है कि जीसस क्राइस्ट का ब्लड था। और वो फादर को ये भी बताती है कि उन्हें उसका रास्ता पता है, और उसके लिए उन्हें नन होने की ओथ लेनी पड़ेगी। और वो नन होने की ओथ ले लेती है, और उसी वक्त पर वो नन बन जाती है। और बाद में वो एक बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ पे वो मदर मेरी के स्टैचू के पास रुकते हैं, और वो स्टैचू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। और फादर तभी सिस्टर आयरीन को बताते हैं कि यही आपका विजन है कि मदर मेरी रास्ता दिखाएगी। और उसके बाद सिस्टर आयरीन उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ पर वो पॉइंट कर रही थी, और उन्हें वहाँ पर एक सीक्रेट डोर दिखता है। फिर सिस्टर आयरीन उसकी से उस डोर को खोल देती है जहाँ पर उन्हें वो पाक निशानी यानी कि जीसस क्राइस्ट का खून मिल जाता है। और वो सब अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढते हैं, और फिर वो उस डोर तक आते हैं जहाँ पर लिखा था कि गॉड का साथ यही तक है। फिर वो उस जगह को खोजने के लिए जाते हैं जहाँ से शैतान आया था। तभी सिस्टर आयरीन एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ उन्हें वही स्टार पैटर्न दिखता है जो डिमन ने उनके बॉडी पर बनाया था। और जब वो वहाँ से भाग रही होती है तब बहुत सारे डिमन रन उसका रास्ता रोक लेती है, और फ्रेंची उनकी आवाज़ सुन के उन्हें बचाने के लिए आ जाता है। जब वो गन लेकर अंदर आता है तब सिस्टर आयरीन उसी स्टार पैटर्न के बीच में अजीब पोजीशन में बैठी हुई थी क्योंकि डिमन रन ने उसे पोजेस कर लिया था। और तभी वो फ्रेंची पर भी अटैक कर देती है, तभी फ्रेंची उनके मुंह पर जीसस का ब्लड लगा देता है, और तब वो डिमन नन सिस्टर की बॉडी को छोड़ देती है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो फ्रेंची पर अटैक कर देती है। और जब सिस्टर आयरीन फ्रेंची को बचाने के लिए जाती है तब वो डिमन नन सिस्टर को उठा के अपने पावर से दूसरे रूम में फेंक देती है जिसमें बहुत सारा पानी होता है, और दूसरी ओर वो डिमन फादर को लड़के के रूप में इंजर कर देता है। और जब सिस्टर पानी से बाहर आती है तब वो देखती है कि जीसस का ब्लड पानी में गिर गया है, और तब फिर से वो डिमन नन सिस्टर को पानी में डुबो कर मारने लगती है। और तभी सिस्टर पानी में से जीसस का ब्लड अपने मुंह में भर लेती है, और जब वो डिमन उन्हें बाहर निकालता है तब वो अपने मुंह से वो खून डिमन पर स्पिट कर देती है जिससे वो खत्म हो जाता है, और उसी रास्ते से हेल में चला जाता है, और वो हेल का डोर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और दूसरी सुबह जब वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं तब सिस्टर आयरीन आखिरी प्रेयर कर लेती है, और तब वो फ्रेंची को बताती है कि ये जगह पूरी तरह से प्योर हो चुकी है। और उसके बाद हम फ्रेंची के गर्दन पर उल्टे क्रॉस का निशान देखते हैं जिसका मतलब ये था कि शैतान ने अपना कुछ पार्ट उसके बॉडी में छोड़ दिया है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल